मजलिस मजलिस का सपोर्ट कांग्रेस के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस का सपोर्ट मजलिस के साथ। वो हमारी नॉलेज में नहीं है, और अगर उन्होंने कर भी रहेंगे तो उनका जाती मसला है। ये कैसी मुखालिफत रही और ये कैसी भाई, ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई वहाँ पे हमारे कांग्रेस मजलिस का कोई कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा। यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन, तालीम। तीसरा यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का बल्दिया के मसाइल, मतलब लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज़, जैसे कि ड्रेनेज, पानी, ये सारी चीज़ें हो जाए। लैक ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहाँ के रोड्स, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का यहाँ के मतलब फुटपाथ, हर चीज़, यहाँ के प्लेग्राउंड्स, इन सब का डेवलपमेंट। यहाँ पे आपके जो है सो एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है आपका डिस्क्रिमिनेशन। लोग हैदराबाद के लोगों को, लोग दूसरी जगहों के नए शहर के लोग वगैरह यहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमको यहाँ के पिछले तबके का समझते हैं। दूसरा हाई क्राइम रेट, क्राइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ओल्ड सिटी में। यहाँ पे हाउसिंग का बहुत बड़ा मसला है, ज़्यादातर लोग 65 से 70% लोग यहाँ पे किराए के घरों में हैं। ये हाउसिंग का एक बहुत बड़ा मसला है। एक सबसे बड़ा मसला यहाँ का है कर्जे, और जो फाइनेंसरों को पाल रहे उनका इंटरेस्ट। यहाँ पे हर कोई कहीं ना कहीं प्राइवेट फाइनेंसरों के चुंगल में फंसा हुआ है। हेल्थ, ये ओल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। ओल्ड सिटी में एक भी कोई ऐसा मेजर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे अगर आपको अगर एक अच्छे इलाज की ज़रूरत पड़े तो आप जहाँ पे पहुँच सकते और एक अच्छा इलाज ले सकते, ऐसा कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। और सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा जो आप लोग यहाँ के हैदराबाद की आवाम, हैदराबाद के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, वो है पुलिस हरासमेंट। नौजवान बच्चों के साथ पुलिस हरासमेंट, उनके रोडी शीट्स वगैरह। तो अगर कांग्रेस पार्टी, जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज स्टेट गवर्नमेंट बनात में गवर्नमेंट में है स्टेट में, तो जैसे कांग्रेस पार्टी के कमिटमेंट्स थे, जो 6 गारंटीज दिए गए थे उनमें से 5 गारंटीज पहले 100 दिन में ही पूरे कर दिए गए हैं। 1 गारंटी बची हुई है जो इलेक्शन कोड आने की तरफ से रुक गई, और आने वाले टाइम में जैसा इलेक्शन कोड ख़त्म होगी इमीडिएटली ये गारंटीज भी पूरे कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका जिम्मेदार कौन है बोले तो कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पे इख्तदार में नहीं रही। यहाँ पे जो मुकामी पार्टी है जो 1984 40-50 साल से है, जो मुकामी यहाँ की पार्टी है जो यहाँ पे आज इख्तदार पे है, 100% वो लोग जिम्मेदार हैं जो आज हैदराबाद को एक पिछला तबका बना के छोड़ दिए। ये लोग दिल्ली जाते मुसलमानों की ओल्ड सिटी की आवाज़ बने हुए हैं, बोलते कितने प्रोजेक्ट्स लेके आए, कितने हॉस्पिटल्स लाए, कितने स्कूल्स लाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लेके आए दिल्ली से जाके बात करके। झगड़ा में आपकी पार्टी के कैंडिडेट मजलिस मजलिस का सपोर्ट कांग्रेस के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस का सपोर्ट मजलिस के साथ। वो हमारी नॉलेज में नहीं है, और अगर उन्होंने कर भी रहेंगे तो उनका जाती मसला है। ये कैसी मुखालिफत रही और ये कैसी भाई, ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई वहाँ पे हमारे कांग्रेस मजलिस का कोई कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा। हमारी तो जैसे आपके आज से 2 दिन पहले मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने भी खुले और साफ अल्फाज कह दिया कि हमारा कोई मजलिस के साथ अलायंस नहीं है। रोहित चौधरी जो AICC सेक्रेटरी हैं और जो तेलंगाना के इंचार्ज है, उन्होंने भी साफ अल्फाज में कह दिया कि हमारा मजलिस के साथ कोई अलायंस नहीं है, और हम 100% यहाँ पर टफ फाइट करने के लिए आए हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टफ से टफ यहाँ पर लड़ें। सब हम कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ओल्ड सिटी के अंदर चार मीनार से लेके मलकपेट तक के रोड पे रोड शो रखें, तो उसके लिए वॉर रूम को हम ऑलरेडी बोले हुए हैं। इंशाल्लाह वहाँ से जैसी डेट्स आते हैं डेट्स अनाउंस करेंगे कि वो लोग कब आ रहे हैं। लाजिम बात है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी आएंगे तो CM साहब तो उनके साथ आना है।
बिल्कुल, जो अभी मैं बोल रहा था आपको, ये जो हैदराबाद के प्रॉब्लम्स है इनको खत्म करने के मैं गारंटीज दूंगा, इंशाल्लाह इनके ऊपर काम करने के गारंटीज दूंगा। तो प्रॉब्लम 70 साल से है, देखिए 6 मखसूस अगर गारंटीज आप पूछ रहे हैं तो मैं सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करूंगा, एजुकेशन पे काम करूंगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करूंगा, आपके क्या बोलते सो ये जो कर्जदार है, जिस जो फाइनेंस यहाँ पे जो प्राइवेट फाइनेंसर्स यहाँ पे परेशान कर रहे हैं इसके ऊपर काम करना है। मैं कोशिश करूंगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस से या गवर्नमेंट से यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा सपोर्ट मिले जिसकी वजह से ये लोग ये परेशानियों से, ये कर्जों से, ये प्राइवेट फाइनेंसरों के चुंगलों से बाहर रहे। और आपके यहाँ का जो बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ के आज जैसा कि आज ही आज हम लोग पैदल दौरे पे निकले हुए थे, आज कई जगह के ऊपर मई गढ़ों में गिरते गिरते, तो यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह की जिंदगी लाइफ का, इनकी लाइफ का की क्वालिटी क्या है यहाँ पे, तो इन सब सारे चीज़ों के ऊपर ये कांग्रेस की एक गारंटी की शक्ल में ही लीजिए आप कि कांग्रेस पार्टी अगर इख्तदार में आती है तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया।